दोस्तों, आज विज्ञान के युग में भले ही कुछ लोग भूत प्रेत की बातों पर विश्वास ना करें, लेकिन हमारे देश में कई कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें भूतिया कहा जाता है। आज हम आपको महाराष्ट्र की माया नगरी यानी कि मुंबई में कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफ़ी डरावनी हैं। तो चलिए जानते हैं इनके नाम। नंबर एक पे आता है टावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, इस जगह का यूज़ पारसी समुदाय के लोग कब्रगाह के तौर पर करते थे। जानकारी के अनुसार यहाँ पर लोगों को मरने के बाद गिद्धों के खाने के लिए छोड़ देते थे। वहीं लोग इस जगह को लेकर कई भयानक घटनाएं बताई हैं, इसलिए इसे भूतिया कहा जाता है। नंबर दो पे आता है पवन हंस क्वार्टर्स। दोस्तों, ये भी मुंबई की डरावनी जगहों में से एक है। यहाँ के लोगों का कहना है कि शाम होने के बाद उन्हें यहाँ एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जिसके हाथों पर आग लगी होती है। जानकारी के अनुसार एक सलमा नाम की लड़की ने अपने हाथ को आग लगाकर जान दे दी थी, जिसके बाद इस इलाके में उसकी आत्मा भटकती है। दोस्तों, नंबर तीन पे आता है मुकेश मिल्स। बॉलीवुड के गढ़ कहे जाने वाले मुंबई के कोलाबा में समुद्र के पास मौजूद मुकेश मिल्स एक डरावनी जगह मानी जाती है। ये जगह 11 एकड़ में फैली हुई है। इस जगह का नाम देश के 10 सबसे हॉन्टेड जगहों के लिस्ट में शामिल है। और नंबर चार पे आता है ग्रैंड पादरी टावर्स। दोस्तों, टावर्स वाले ग्रैंड पादरी में कई मौतें हो चुकी हैं। यहाँ पर एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि इन लोगों को कोई अनजानी ताकत बिल्डिंग तक ले गई और उन्हें कूद कर जान दे दी। नंबर पाँच। दोस्तों, नंबर पाँच पे संजय गांधी नेशनल पार्क। इस पार्क को लेकर कहा जाता है कि यहाँ एक महिला की आत्मा रहती है जो यहाँ से गाड़ी लेकर जाने वाले लोगों को रोकती है। अगर वो लोग गाड़ी नहीं रोकते तो वो उनके पीछे भागती है। नंबर छः। दोस्तों, नंबर छः पे आता है डिसूजा चॉल्स। दोस्तों, इस चॉल को लेकर कई डरावनी कहानियाँ फेमस हैं। कहा जाता है कि कई सालों पहले यहाँ एक महिला ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है और आज भी शाम होने के बाद इस चॉल के पास कोई नहीं जाता। नंबर सात पे आता है होटल ताजमहल पैलेस। दोस्तों, होटल मुंबई का सबसे फेमस होटल है, लेकिन यहाँ की भी कई भूतिया कहानी फेमस हैं। इस होटल को फ्रेंच आर्किटेक्चर WA चेम्बर्स ने डिजाइन किया था, लेकिन जब वे इंग्लैंड आए और उन्होंने देखा कि उनके डिजाइन के हिसाब से होटल तैयार नहीं किया गया है, जिसके बाद उन्होंने निराश होकर यहाँ की 5वीं मंजिल पर कूद के जान दे दी थी। इस घटना के बाद कई लोग सहित होटल स्टाफ का भी मानना है कि चेम्बर्स का भूत वहाँ कई बार टहलता देखा गया है। नंबर आठ पे आता है आरे मिल्क कॉलोनी। दोस्तों, इस कॉलोनी को भी मुंबई की भूतिया जगहों में शामिल किया गया है। स्थानीय लोगों के माने तो यहाँ रात को एक महिला की आत्मा लोगों के लिफ्ट मांगती है, इसलिए वहाँ शाम होने के बाद कोई नहीं जाता।